राज्य की प्रमुख शिक्षण संस्था ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी में दीक्षांत समारोह 2021 का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर बूटा सिंह वाइस चांसलर महाराजा रणजीत सिंह आदि ने सामूहिक तौर पर ज्योति प्रज्वलित करके किया। सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना का गायन किया गया। दीक्षांत समारोह दौरान संस्था के चेयरमैन प्रवीण गर्ग ने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों को फूल के बुके देकर स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में कॉलेज के चल रही गतिविधियों पर प्रकाश डाला। संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर GD गुप्ता ने संस्था की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 250 से अधिक छात्रों को PhD फार्म डी एम फार्म बी फार्म के छात्रों को डिग्रिया वितरित की गई है। नहीं, वेरी एक्साइटेड, सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और अभी आपने सुना भी था, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने भी यही बोला था कि कन्वोकेशन ये काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है और ये ऑटोनोमस बनने के बाद ये उनका दूसरा कन्वोकेशन ISF कॉलेज का। बच्चों के लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि उनको फिजिकल डिग्री मिलने वाली है। एंड एज़ फार एज़ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम बात करते हैं कि डिग्री मिलने के बाद क्या उम्मीद रखते हैं बच्चे, एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट आपने सुना ही है क्लियरली, आने वाले टाइम के अंदर इट्स द फार्मेसी ओनली जो कि सस्टेन कर रहा है, फार्मेसी ओनली जो स्टूडेंट्स बाहर निकल के आ रहे हैं वही देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई किसी तरह से चिंता की बात नहीं है। जो अज सेकेंड कन्वोकेशन हैगी है IFS कॉलेज की ऑटोनमस तो बाद, अदरवाइज मतलब फार्मेसी के जो कॉलेज है बहुत पुराना है, मतलब एक इस तरह का रिप्यूटेड कॉलेज है जिथे तुम गल करोगे कि सीटा खाली रह रही हैं तो खाली वाली फार्मेसी के कोई गल इस तरह की नहीं हैगी। फार्मेसी दियाँ तो सारिया सीटा आलमोस्ट फुल हो रही हैं। इंजीनियरिंग के थोड़ी जी प्रॉब्लम हैगी है जी बच्चों की जी मूवमेंट है बाहर जाने की, पर है कि वो एक्चुअल च रिक्वायरमेंट भी हैगी उस कंट्रीज़ की जिते बच्चे जा रहे हैं, तो उन्होंने अगर उस तरह की ऑप्शन मिलती हैं तो मेरे ख्याल दे हैव टू मूव। अदरवाइज़ क्या है कि वो हाँ पहले जोड़े बच्चे जाते सी वो अगर इतों अपनी ग्रेजुएशन करके जाते सी ना तो इरादा यह सी कि जो सा एक जी ब्रेन ड्रेन वाली गल करते ना तो हूँ बच्चे पहला मूव कर जाते हैं। तो इंडिया के जो बच्चे इतों ग्रेजुएट होंगे तो वधिया उन्होंने असं इतने यूटिलाइज करते हैं अपने कंट्री की डिवेलपमेंट वास्ते, वो एक ज़्यादा वधिया अप्रोच है। ये जैसा आप सभी लोग जानते हैं किसी भी संस्थान किसी भी महाविद्यालय के बहुत बड़ा पर्व होता है और इस पर्व के दौरान इसको हम दीक्षांत समारोह कन्वोकेशन कहते हैं। तो ये कन्वोकेशन 2021 ISF में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में हम बी फार्मा फार्मडी फार्मडी PB और हमारे जितने भी एम फार्म के बच्चे हैं उनको और इसके अलावा PhD के छात्रों को हम डिग्रियाँ देंगे। इस समारोह में वाइस राज्यों के जो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन कर रहे थे वो इन कोर्सों को 2019, 20 और 21 सेशन में पास आउट कर गए हैं और अनेक संस्थानों में देश के एवं विदेशों में उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। 600 से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया है, उनमें से 250 के करीब विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं जिनके कर कमलों से यह डिग्री दी जाएगी, डॉक्टर बूटा सिंह जी ऑनरेबल वाइस चांसलर महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर और AICT से कर्नल बी वेंकट जी डायरेक्टर AICT आए हुए हैं, उनके द्वारा ये डिग्रियां दी जाएंगी। मोगा से दिलीप कुमार की रिपोर्ट।